Hello students, today we are going to learn about simple interest from chapter number 12 percentage, and this is our third lecture. In first lecture we have learnt about percentage, in second lecture we have learnt about conversion of units of measurement into percentage, and now we are going to learn सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, आज इसी के बारे में हम आपको बताएंगे. कभी कभी क्या हो जाता है, हमें रुपयों की ज़रूरत होती है, किसी से उधार लेना पड़ जाता है. तब जब हम किसी से रुपये उधार लेते हैं और बदले में जब हम उसको उधार पैसे वापस चुकाते हैं, तो जितना हम लेते हैं उससे थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा बढ़ करके हमें देना होता है, और जितना हम ज़्यादा देते हैं वही कहलाता है इंटरेस्ट. तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा. सपोज़ मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है, ठीक है. तो मैंने अपने एक फ्रेंड से बोला कि मुझे 100 रुपये दे दो, मैं तुम्हें थोड़े दिन बाद वापस रिटर्न कर दूंगा. लेकिन अब वो बहुत अच्छा फ्रेंड तो था नहीं. जब बहुत अच्छे फ्रेंड होते तो क्या होता है कि ठीक है ले जा, लेकिन जो बहुत अच्छे फ्रेंड नहीं होते, बस आपको सिर्फ जानते हैं, वो ये कहेंगे कि भाई क्यों, मैं अपना रुपया तुम्हें क्यों दूँ. हाँ, एक बात है, अगर मेरा कुछ फ़ायदा हो तो मैं तुम्हें रुपए दूंगा. तो मैंने बोला क्या फ़ायदा, तो उसने कहा कि तुम्हें जितना रुपया चाहिए, तुम 100 रुपये लेना चाहते हो, एक ही शर्त पे मैं तुम्हें दूंगा कि तुम बदले में हर महीना मुझे 10 रुपया ऊपर से दोगे, तो मैं तुम्हें 100 रुपये देने को तैयार हूँ, ठीक है. तो सपोज़ मैंने मेरे फ्रेंड से लिए, कितने लिए, मुझे 100 रुपयों की ज़रूरत थी, ठीक है, 100 रुपये की मुझे ज़रूरत थी, 100 रुपये मैंने उससे लिए. उसने मेरे को किस शर्त पे दिए कि जब तुम्हें मुझे लौटाओगे तो उसमें 10 रुपये बढ़ा कर के मुझे देना, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपये में 10 रुपये और बढ़ा कर के देंगे तो मुझे उसको रुपये कितने लौटाने पड़ेंगे, 110 रुपये. समझ में आ रहा है. तो ये जो 100 रुपये हैं, जितना हमने लिया है, उधार लिया है या उधार दिया है, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल. ये हमारा क्या है, मूलधन है, और मूलधन को कहा जाता है प्रिंसिपल, ठीक है. तो जितना रुपया हमने लिया है या जितना रुपया हमें देना है, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल. अब रुपीज़ टेन क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमें उसको लेने वाले को देना है. अब 100 रुपये हमने लिया, उसके ऊपर 10 रुपये हमने उसको एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है यही कहलाता है इंटरेस्ट, ठीक है. ये है इंटरेस्ट. अब देखो, लिया तो कितना था, 100 रुपया, लेकिन जब हमने उसको लौटाया तो कितने रुपए और ज़्यादा बढ़ा करके दिए, 10 रुपीज़ और ज़्यादा बढ़ा करके दिए. इसका मतलब लिए हमने 100 रुपये थे, लेकिन उसको देने कितने पड़े, 110 रुपीज़, 110 रुपये. और जितना टोटल हमें रुपया देना पड़ा वो कहलाता है अमाउंट. क्लियर है. तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल, उसमें क्या जोड़ेंगे, इंटरेस्ट. इसका मतलब अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट. तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को अगर ऐड किया जाए तो जो अमाउंट, जो मनी आती है उसे कहा जाता है अमाउंट. समझ में आ रहा है. अब उसने कहा कि ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम कितने भी दिन बाद मुझे 100 रुपये लौटाओ तो मैं तुम्हें 10 रुपये ही दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर तुम एक महीने बाद मुझे वापस 100 रुपये लौटाओगे तो मैं तुमसे 10 रुपये लूँगा, लेकिन अगर तुम मुझे 2 महीने बाद लौटाओगे तो 20 रुपीज़, 3 महीने बाद लौटाओगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 30. तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, तू मुझे 6 मंथ के लिए दे दे, मुझे तो 6 मंथ की ज़रूरत है, 6 मंथ के बाद मैं तुझे रुपीज़ दे दूँगा. अब 6 मंथ के बाद कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे मुझे, 100 रुपये तो क्या थे, मैंने उससे उधार लिए थे, तो 100 रुपये तो मैंने उससे उधार लिए हैं, ठीक है. और 6 मंथ के बाद कितने पैसे और लौटाने पड़ेंगे मुझे,
वन मंथ का 10, टू मंथ का 20, थ्री का 30, फोर मंथ का 40, फाइव मंथ का 50 और सिक्स मंथ का 60 रुपीज़। इसका मतलब आफ्टर सिक्स मंथ आई हैव टू रिटर्न 60 रुपीज़। तो जब मुझे उसको पैसे लौटाने पड़ेंगे तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? 160 रुपीज़। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल तो है हमारा 100 रुपीज़, इंटरेस्ट उस पर कितना लगा? 60 रुपीज़। इंटरेस्ट क्या होता है? जितना भी हमने पैसा लिया है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें देना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। ओके, और इन दोनों को जब मिला करके जितना टोटल रुपये देते हैं वो कहलाता है अमाउंट। तो ये हो गया हमारा 160 रुपीज़। ठीक है, ये तो है छोटे छोटे पैसों की बात की 100 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो या 500 दे दो, 600 दे दो। कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत होती है, बड़े अमाउंट में भी पैसों की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब मान लो, सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब हमें बड़े बड़े पैसों की ज़रूरत होती है तो हमें बैंक की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि बैंक एक ऐसी जगह है जो हमें पैसे उधार देती है, या फिर मनी लेंडर से भी हम पैसे ले सकते हैं। मनी लेंडर भी क्या होते हैं? लोगों को पैसे उधार देते हैं। ठीक है, तो जब हमें कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं? बैंक के पास जाते हैं या मनी लेंडर के पास जाते हैं। तो बैंक या मनी लेंडर भी हमसे यही बोलता है कि भाई ऐसे कैसे पैसे दे देंगे, हमारा कुछ फ़ायदा होगा तभी हम पैसे देंगे। तो बैंक क्या करता है? बैंक हमसे ये कहता है कि आपको कितने जितने रुपयों की आपको ज़रूरत है उसमें से उसका कुछ परसेंट आपको एक साल के बाद मुझे लौटाना होगा। यहाँ पे तो हमने क्या किया था, एक एक महीने में लौटाया था, मतलब एक महीने के हिसाब से 10 रुपीज़, दो महीने के हिसाब से 20, तीन के हिसाब से 30। लेकिन जब बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला ये कहता है कि एक साल में इतने परसेंट के हिसाब से आप मुझे इंटरेस्ट देना। ठीक है, अब मान लो मैंने बैंक से रुपए लिए 8,250 रुपीज़ की मुझे ज़रूरत है, तो हमने मैंने 8,000, तो हमारा प्रिंसिपल पी को देखो, हम पी प्रिंसिपल को हम पी से डिनोट कर सकते हैं, इंटरेस्ट को हम आई से डिनोट करते हैं एंड अमाउंट को हम ए से डिनोट करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल जो है रुपीज़ 8,250 है, इसका मतलब मुझे बैंक से 8,250 रुपीज़ लेने हैं। तो बैंक ने कहा कि ठीक है 8,250 रुपीज़ ले जाओ, लेकिन एक साल के बाद तुम्हारा जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 6%। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? परसेंट के हिसाब से। यहाँ पे तो सिर्फ रुपीज़ के हिसाब से दिया हुआ था और यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट के हिसाब से। तो इंटरेस्ट जब परसेंट में दिया जाता है तो हम उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस रेट। ओके, तो उन्होंने कहा 6% की रेट से आप मुझे एक साल के बाद इतना पैसा वापस लौटाना। अब 6% क्या है? पर मंथ? नहीं, ये तो था पर मंथ, लेकिन ये क्या था? पर ईयर, मतलब हर एक साल में आपको पैसा लौटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो पैसा उधार कितना लिया? इतना। उसमें हमें एक साल पे कितना, एक साल हर महीने लौटाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक आज लिया, मान लो आज से ठीक एक साल के बाद मैं जब बैंक को पैसे लेकर जाऊंगी 8,250 रुपीज़, तो उस पर मुझे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा? इतने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो हमें 6% का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा कि इंटरेस्ट होता क्या है या कैसे निकालेंगे। तो अब देखो 6% इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट इक्वल टू 6% किसका? 8,250 रुपीज़ का। तो इसको हमेशा ऐसे निकालेंगे, 6% का मतलब आपको पता है 6/100। ओके, किसका? 8,250 रुपीज़ का। तो 6
परसेंट 8,250 रुपीस का कितना होता है? देखो 10 से 10 कैंसिल, अब हम कट कर देते हैं, 2 3 6, 2 5 10, 5 से 3 तो नहीं कटेगा, 3 से 5 भी नहीं कटेगा, लेकिन 5 से 825 कट सकता है। तो 5 1 5 और 5 को काटेंगे तो 5 1 5, 5 6 30, 5 5 25, 165 टाइम ये कटेगा। अब 165 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 495 रुपीस। इसका मतलब हमें बैंक को रुपए कितने देने हैं? 495 नहीं देने, 495 एक्स्ट्रा देने हैं। तो जो हमें लिया है वो तो देना ही देना है, लेकिन उसके साथ हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना देना है? 495। तो जब हमारा ये प्रिंसिपल है और इसमें हम ये इंटरेस्ट देंगे तो वो क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट। तो हमें अमाउंट कितना देना पड़ेगा इसको? तो अमाउंट हो जाएगा हमारा, अमाउंट इक्वल टू क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी प्लस आई। तो प्रिंसिपल है हमारा रुपीज 8,250। अब इसमें हमें और कितना ऐड करके देना पड़ेगा बैंक को? रुपीज 495। तो ये होता है रुपीज 8,745। इसका मतलब एक साल के बाद हमें बैंक को, एक लिए तो हमने 8,250 रुपीज़ थे, लेकिन जब एक साल के बाद बैंक को वो रुपया रिटर्न करने जाएंगे तो हम उसमें इतना इंटरेस्ट ऐड करके टोटल हमें 8,745 रुपीज़ देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये होता है इंटरेस्ट, जो हम लिए हुए, उधार लिए हुए अमाउंट पे एक्स्ट्रा अमाउंट जो दिया जाता है उसे कहा जाता है इंटरेस्ट। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ये क्या लिखा हुआ है साइड में। तो ये फॉर्मूलाज हैं, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपको अमाउंट, जिसमें सॉरी प्रिंसिपल दिया हुआ होता है, इंटरेस्ट दिया हुआ होता है, आपसे कहा जाता है फाइंड द अमाउंट। तो अब जब आपको अमाउंट फाइंड करना है तो आपको अब पता हो गया होगा अमाउंट होता क्या है, जिसमें प्रिंसिपल भी होता है जो हमने उधार लिया है या उधार दिया है वो, प्लस उसमें जो इंटरेस्ट ऐड होता है, दोनों को मिला करके जो मनी आती है वही हमारा अमाउंट कहलाता है। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल दिया हो, इंटरेस्ट दिया हो और अमाउंट फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करोगे। इसी तरह से अगर प्रिंसिपल फाइंड करना हो तो क्या हुआ होगा? अगर प्रिंसिपल फाइंड करना होगा तो आपको अमाउंट भी दिया हुआ होगा और इंटरेस्ट भी दिया हुआ होगा। तो आपको क्या करना है प्रिंसिपल में? आपको पता है प्रिंसिपल होता क्या है? जितना रुपया हमने उधार लिया है तो उसमें इंटरेस्ट तो नहीं होता, राइट? तो हम क्या करेंगे, उस अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट आएगा वो हमारा प्रिंसिपल होगा। और इसी तरह से अगर इंटरेस्ट फाइंड करना हो, इंटरेस्ट में भी क्या होता है, अमाउंट तो होगा ही होगा लेकिन प्रिंसिपल नहीं होता है। तो इंटरेस्ट का मतलब है अगर अमाउंट दिया हुआ है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट हमारे पास आएगा वो होगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप ये फार्मूलाज को एक बार अच्छे से लर्न कर लेना और सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अब अभी तो हमने सिंपल इंटरेस्ट के जो दो मैथड सीखे, एक तो मंथ वाइज और एक परसेंटेज वाइज। अब कभी कभी क्या होता है, हमें जो लोन लिया जाता है या हम पैसे उधार लेते हैं वो एक साल से ज़्यादा के लिए भी लिए जाते हैं, मतलब 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स, कि भाई अभी एक साल में तो मैं नहीं चुका पाऊँगी
तो मैं क्या करती हूँ, 2 साल के लिए मुझे पैसे चाहिए, या 3 साल के बाद मैं वापस लौटा दूंगी, या 4 साल के बाद मैं लौटा दूंगी, या 5 साल के बाद मैं वापस पैसे लौटा दूंगी। तो कभी कभी क्या होता है, टाइम भी मेंशन किया होता है, ठीक है, 4 ईयर्स 3 ईयर्स 2 ईयर्स। तो मैं आपको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको बता रही हूँ करना क्या है। क्वेश्चन है, रमेश इन्वेस्टेड ₹5,000 फॉर 4 ईयर्स एट 4% पर एनम। दैट मीन्स रमेश ने ₹5,000 इन्वेस्ट किए कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। इन्वेस्ट करने का मतलब है कि किसी को दे दिए, या कोई चीज़ खरीद ली, या किसी को भी दे दिए, एटलीस्ट ₹5,000 उसने किसी को दे दिए, कितने साल के लिए दिए, 4 साल के लिए। और उनको बोला कि जितने आप मुझे ली, जितना आपने रुपया लिया है उसका 4% पर एनम का मतलब होता है 1 साल के लिए, ओके। तो जितना पैसा आपने लिया है उसका 4% आप 1 साल के बाद मुझे लौटाओगे। हाउ मच इंटरेस्ट विल ही गेट आफ्टर 4 ईयर्स। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो इंटरेस्ट पूछ रहा है, अमाउंट नहीं पूछ रहा। अगर अमाउंट पूछेगा तो वहाँ में अभी तो पहले सिर्फ इंटरेस्ट निकालना, अगर अमाउंट पूछता है तो भी आपको पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और फिर जो प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा, तो अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। आप देखो, हाउ मच इंटरेस्ट विल ही गेट आफ्टर 4 ईयर्स। इसका मतलब है कि ₹5,000 तो ले लिए या इन्वेस्ट कर दिए, अब ₹5,000 के बाद जब वो पैसे लेगा, वो पैसे देगा, तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या मेंशन है, 4 ईयर्स, इसका मतलब टाइम भी मेंशन है। तो ये जो है, जब भी टाइम मेंशन किया जाता है उसका एक अलग से फॉर्मूला आता है, और इसको वैसे आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो, मैं दोनों मेथड आपको बता देती हूँ। फर्स्ट मेथड तो आता है जिसमें टाइम दिया रहता है कि 2 ईयर 1 ईयर 2 ईयर 4 ईयर, पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, उसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट। सॉरी, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, ₹5,000, ओके। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम रेट भी लिख सकते हैं और इंटरेस्ट भी, लेकिन जब परसेंटेज में दिया होता है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है, दैट मीन्स आर। तो कितना परसेंट है, 4%, और 4% क्या, पर एना, मतलब 1 साल का। टाइम दे रखा है 4 ईयर्स, इसको हम क्या बोलेंगे, टाइम। तो टाइम को हम टी से डिनोट करेंगे, और टाइम है यहाँ पे 4 ईयर्स। तो जब टाइम दे रखा हो तो उसका इंटरेस्ट फाइंड करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट, SI का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट, इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100, ओके। और इसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, कैसे, P की जगह P का अमाउंट लिखो, R की जगह R का, T की जगह T का। अब P कितना है, 5,000, तो यहाँ लिखेंगे हम 5,000 मल्टीप्लाइड बाई R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। तो 4% का मतलब ही 4/100 होता है, ये 100 वही है, तो यहाँ पर है 4 मल्टीप्लाइड बाई, टाइम कितना है, 4 डिवाइडेड बाई 100, ये 100 कौन सा है, 4% वाला। और अब इसको सॉल्व कर दो, 20 से 20 कैंसिल, 4 4 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 80, और ये 10 और लगा दो, तो ये हो गया ₹800। इसका मतलब है 4 साल के बाद इस 5,000 पर हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हमें 800 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझो, यहाँ पे लिखा है हाउ मच इंटरेस्ट,
तो इसका मतलब हमें सिर्फ इंटरेस्ट ही निकालना है कि हमें 8,000 रुपीज़ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हो फाइंड द अमाउंट, ठीक है, तो अमाउंट में क्या करेंगे, पहले तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे, यहाँ तक तो एग्जैक्ट वैसे ही जैसे हमने किया है। उसके बाद अमाउंट का फॉर्मूला लिख देंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ लिखोगे आप अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और फिर प्रिंसिपल में कितना है 5,000 रुपीज़ प्लस 8,000 रुपीज़ इक्वल टू 5,800 रुपीज़ इसका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एक मैथड। सेकेंड मैथड आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, पहले प्रिंसिपल का 5,000, जैसे प्रिंसिपल है 5,000, मतलब 5,000 रुपीज़ जब टाइम दिया हो। सिंपल आपको मैंने बताया फॉर्मूला है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाय 100, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी फॉर टाइम डिवाइडेड बाय 100, और इनको लिख करके आप सॉल्व कर दो, जो आएगा वो हमारा इंटरेस्ट होगा। सेकंड मेथड है कि 5 जब टाइम मेंशन किया हो तो हम पहले 1 ईयर का निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 4% किसका, 5,000 का, 1 साल का, तो हम पहले 1 साल का निकाल लें। जैसे इंटरेस्ट हुआ सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 4%, 4% मतलब 4/100 किसका, 5,000 का, 4% 5,000 का। तो आप इसको सॉल्व कर लो, 20 से 20 कट हो गए, ये हो गया 5 × 4 = 20, और ये 10 और लगा दो तो ये ₹200 इक्वल टू ₹200, ठीक है। आप देखो ये क्या था, ये 200 रुपीज़ हमें 1 साल के लिए इंटरेस्ट निकाला है। अब हमें यहाँ पे कितने साल का इंटरेस्ट देना है, 4 ईयर्स का। तो अगर 1 ईयर का इंटरेस्ट 200 है तो फॉर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा, 1 ईयर का 200 मल्टीप्लाइड बाय 4 ईयर का 400, हम सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 4, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ₹4 × 8, 800 रुपीज़। देखो सिंपल सा मेथड है, दोनों मेथड बहुत सिंपल हैं। या तो आप जब टाइम मेंशन किया हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करो और इंटरेस्ट फाइंड करो, या फिर पहले 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाल लो और जितनी ईयर्स का बताया गया है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाएगा, जो आएगा वो होगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, इसके परसेंटेज कैसे फाइंड किया जाता है, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो बहुत ही ईजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बुक में से, और क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप करोगे समझोगे तो बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।